सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल बेक हाउस, जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर है हमारी बाई नंबर वाली साइड। और दोस्तों, इस बेक हाउस का नाम है एलिसन बेक हाउस। आई नो आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी विजिट कर चुके होंगे उस जगह को, बट मेरे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मेरे जैसे काफ़ी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। और हाँ दोस्तों, इस एलिसन वर्ड का मतलब है एग्जैक्ट मैच, और अगर आप कहें तो इंस्पिरेशन बाय गॉड्स, ये दो मतलब निकलते हैं इस वर्ड के। तो मुझे तो काफ़ी इंस्पिरेशनल वाइब आने लग गई हैं अभी से, क्योंकि एग्जैक्ट मैच भी है इसका मतलब। जैसे कि मान लो आपको जो चीज़ आप ऑर्डर करोगे उसी के हिसाब से वो चीज़ टेस्ट करेगी। आई थिंक मतलब तो यही है उनका बेक हाउस में। तो चलिए देखते हैं ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा, ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं वॉन्डर ग्रैबर। दोस्तों, हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। इसकी लोकेशन आपको टोनी एंड गाय के साथ मिल जाएगी। ये रहा एलिसन बेक हाउस। तो दोस्तों, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, यहाँ बेकरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी स्वीट्स रखी हुई हैं। दोस्तों, देखकर दिल तो बहुत कर रहा है एक एक सभी आइटम उठा लूँ और खा लूँ, बट इतना मीठा कौन खाएगा यार। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस बेक हाउस के मेन्यू की तरफ, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। पहले ऑनलाइन ट्राई करते हैं। दोस्तों, मेन्यू तो आपके सामने खुल चुका है। लेट्स सी इनके पास क्या क्या चीज़ें मिलेंगी हमें खाने के लिए, उसके हिसाब से हम ऑर्डर करेंगे। हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा हम वो देखकर ऑर्डर करेंगे। और अगर दोस्तों आपको दिक्कत हो रही है ऐसे फास्ट स्क्रोलिंग में, तो आप पॉज करके वीडियो आराम से देख सकते हैं आइटम्स को, क्योंकि काफ़ी लंबा मेन्यू है तो हमें सारा कवर करना है इसको। तो भाई, ये तो स्क्रोल ख़त्म ही नहीं हो रहा। लगता है काफ़ी बड़ा मेन्यू है। चलते चलो चलते चलो, आई थिंक खत्म हो गया। नहीं नहीं भाई, अभी तो बहुत बड़ा है। फाइनली दोस्तों, मेन्यू खत्म हो गया। तो मुझे तो यहाँ कुछ समझ नहीं आया। चलिए सामने की तरफ चलते हैं, वहाँ से कुछ लेते हैं। तो अभी जस्ट मैंने बेक हाउस वाले से पूछा क्या चीज़ बढ़िया रहेगी। हाँ, वो कहते हैं ये चीज़ केक खाओ चॉकलेट वाला। तो ये रहा चीज़ केक चॉकलेट। तो ट्राई करते हैं देखने में, और इसकी खुशबू जो आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वाओ मैन, कितना सॉफ्ट है, ये चीज़ की वजह से है। दोस्तों, ये चीज़ देखने में सिर्फ टेस्टी नहीं है, ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। इसकी छोटी सी बाइट से ही आपको ऐसे लगेगा पता नहीं कितना बड़ा केक खा लिया होगा आपने। वही ऐसे लग रहा है जैसे दिल चॉकलेट चॉकलेट हो गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों, इनके बेकरी वाले प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होंगे अगर ये छोटी सी चीज़ इतनी अच्छी है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इसकी ऑफलाइन मेन्यू की तरफ। दोस्तों, आप लोग ही सजेस्ट कर दो यार कुछ स्नैक्स में। मुझे तो आई थिंक कन्फ्यूजन हो जाएगा, इनका मेन्यू इतना ज़्यादा लंबा है। पहले तो ऑनलाइन वाला इतना ख़त्म नहीं हुआ, अब देखते हैं ये कितने पेजेस का है। आप भी दोस्तों अपनी नज़र बनाए रखें और चीज़ों को देखते रहें। तो इनके पास काफ़ी आइटम्स हैं, इससे ये साबित होता है आप इजीली कुछ भी खा सकते हो। आपको जो मन करे आप बेझिझक इनसे ऑर्डर कर सकते हो। तो मुझे तो लगता है गाइस, हमें पिज़्ज़ा मंगवा लेना चाहिए, क्योंकि पिज़्ज़ा एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदा मंगवाता है मोस्ट प्रोबेबली।
तो इससे उसका टेस्ट भी पता चल जाएगा और ओवरऑल हमें स्नैक्स की क्वालिटी क्वांटिटी सब पता चल जाएगी. सो आई डिसाइडेड दिस एलिसियन वेज ट्रीट पिज़्ज़ा. सो हियर वी गो स्प्रेडिंग चीज़. देखिए कितना शानदार पिज़्ज़ा लग रहा है, बाकी टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है यार. दोस्तों मैंने पिज़्ज़ा की जस्ट एक स्लाइस ट्राई की है, उसी में मेरा पेट इतना ज़्यादा भर चुका है क्योंकि ये वेजिटेबल से भरा हुआ है. आप इसकी क्रिस्पीनेस देखो, मतलब इस पिज़्ज़ा को आई थिंक 15 टू 20 मिनट्स हो चुके हैं तब भी इतना ज़्यादा फ्रेश है. और द क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल्स A1. ये है बेबी कॉर्न, तो जिसको भी डाइट वगैरह मेंटेन करनी है उनके लिए बेस्ट पिज़्ज़ा है आई थिंक. चलिए दोस्तों अब स्मूदी ऑर्डर करते हैं. हम करने वाले हैं ब्लूबेरी चीज़ केक स्मूदी. आई होप दोस्तों ये भी बाकी आइटम्स की तरह बहुत ही अच्छी हो तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा. एंड हेयर वी गो, हमारी ब्लूबेरी स्मूदी तैयार है बिल्कुल एकदम फ्रेश. दोस्तों काफ़ी मस्त जगह है यार, आपको ज़रूर आना चाहिए. सामने फ्रिज में आप देख सकते हैं केक्स रखे हुए हैं इन्होंने अपनी बेकरी के, और आपको जो भी चाहिए ये उसी के हिसाब से आपको प्रिपेयर करके दे देंगे. जो आप सामने देख सकते हैं ये ब्रेड्स हैं. और दोस्तों इन छोटे केक्स में आप बड़ा केक भी बनवा सकते हैं इनसे, जो भी आपको सूटेबल लगे अपने टेस्ट के हिसाब से. दोस्तों इनके पास खुद की अपनी कुकीज़ भी हैं एलिसन बेक हाउस की, और ये बेकरी बिल्कुल ही यार घर जैसे है, बिल्कुल घर वाला टेस्ट, वही अच्छी अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें यूज़ करनी. सो दोस्तों इस बेकरी में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, आपको भी यहाँ ज़रूर आना चाहिए. मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको घर जाकर बताता हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा एम्बेरसमेंट होता है मुझे, पब्लिक में थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, तो घर जाके बताते हैं आपको ओवरऑल व्यू. और आप इसकी लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, ईज़िली मिल जाएगी आपको अगर ऐसे आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो. सो मेरे दोस्तों हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, मुझे तो बहुत मज़ा आया यार. क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी मिलेगी आपको, ये चीज़ बेस्ट थी. क्योंकि क्या करते हैं कई लोग क्वालिटी तो दे देते हैं बट क्वांटिटी नहीं मिलती, हमें खाने के लिए ही मिलेगा तो मज़ा कैसे आएगा ना. तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, और मुझे हर एक कैटेगरी के एक प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो ओवरऑल मुझे लगता है काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं आपको. बाकी आपको ज़्यादा पता होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि और भी जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको हेल्प मिलेगी कि उनको क्या चीज़ मंगवानी चाहिए. इस वीडियो का एम रखते हैं 200 लाइक्स, जो कि मुझे पता है आप कर दोगे. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय.